सयाजी सीड्स प्रस्तुत करते हैं खेती के छोटे छोटे टिप्स। इसमें सयाजी के वैज्ञानिक खेती के ऐसे स्मार्ट तरीके शेयर करेंगे जिसे अपनाकर किसान भाई जोखिम को कम करके अधिक मुनाफा पा सकते हैं। हमारा आज का विषय है मक्के की कटाई कब करें। किसान भाइयों, अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो फसल की कटाई के पहले इस बात की अच्छी तरह से जांच कर लें कि क्या आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है। मक्का की फसल कटाई के चरण। मक्के की पत्तियां पीली पड़ के बाद में सूख जाएंगी, बीज काफी कठोर और सूखे दिखाई पड़ेंगे। आसान परिवहन के लिए एक ही चरण में कटाई का प्रबंध करें। भुट्टे के छिलके को चीर कर हटा दें और भुट्टे को पौधे से अलग कर दें। कटाई के दौरान अनाज में 25% से कम नमी होनी चाहिए। दानों में नमी का पता दाने को दांत से तोड़कर और ग्रेन मॉइस्चर मीटर से करें। अच्छी धूप में ही फसल की कटाई करें। बेमौसम बरसात के पानी या पक्षियों से बचाने के लिए भुट्टों को थोड़ा नीचे की ओर झुका दें। थ्रेशर मशीन का उपयोग करके दानों को भुट्टे से अलग करें और हवा से बीज को साफ करें। याद रहे, मक्का अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए 12% नमी होनी चाहिए। इससे ज्यादा नमी होने से दानों को बीमारियों और कीटों से खतरा रहता है। किसान भाइयों, तो ये थे मक्का फसल की कटाई के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम। मक्का की कटाई से जुड़े सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें। सयाजी सीड्स के कृषि वैज्ञानिक जल्द आपके सवालों का जवाब देंगे। खेती के और भी छोटे छोटे टिप्स जानने के लिए सयाजी सीड्स की यूट्यूब चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।